पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कश्मीर मुद्दे का राग अलाप रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफरीदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भला बुरा कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें इसका जवाब देना होगा। अफरीदी ने पीएम मोदी पर मजहब को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया है। इस वायरल बयान पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अफरीदी को करारा जवाब दिया है। पहले भी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के बीच टकराव की खबरें हमेशा आती रहती हैं। दरअसल आपको बता दें, गौतम गंभीर ने अफरीदी को करारा जवाब देते हुए कहा, 16 साल के आदमी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान को 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं और फिर 70 साल के कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। कश्मीर ने ट्वीट करते हुए कहा, अफरीदी, इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। गंभीर ने अफरीदी को जवाब देते हुए कहा, बांग्लादेश याद है, इससे पहले भी शाहिद अफरीदी ने कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने साथ साथ कई पाकिस्तानी क्रिकेटर समय समय पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा था कि कश्मीरियों को यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, साफ कर देंगे। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने भी कहा था कि कश्मीरियों के दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।